अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। ये वीडियो उन भाइयों के लिए जो व्हाट्सएप यूज़र है, जो लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है, तो ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। उस व्हाट्सएप में ऐसा होता है ना कि हम दोस्त एक दूसरे को पिक्चर सेंड करता है, वीडियो सेंड करता है, तो डायरेक्ट गैलरी में भी जाते, उधर भी सेव होता है। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि ये हमारा डेटा सिर्फ व्हाट्सएप में रहे, गैलरी में नहीं जाए, तो उसको बंद करने का तरीका मैं तुम लोग को इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, कि ऐसा टेक से रिलेटेड जितना भी वीडियो तुम लोगों को टाइप पहुँच सके। अगर मेरा वीडियो तुम लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अभी मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, तुम लोग को मैं सिखाता हूँ। अभी आई मेरे साथ देखी और सीखी। दोस्तों मैं मोबाइल स्क्रीन पर आया, अभी मैं व्हाट्सएप ऐप ओपन करूँगा। हमारे साथ ऐसा व्हाट्सएप पेज ओपन हो गया, तो ये जो कोने में तुम लोग को थ्री डॉट्स नज़र आ रहा है, ये थ्री डॉट्स पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद नीचे आके सेटिंग पे क्लिक करूँगा, तो ऐसा ही हमको ऐसा ही न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसमें एक अकाउंट लिखा है, चैट लिखा, नोटिफिकेशन, स्टोरेज, तो हमको चाहिए चैट। चैट्स पे मैं क्लिक करूँगा, तो उसके बाद भी हमारे पास ऐसा एक और पेज ओपन हो जाएगा। उसमें भी लिखा है थीम वॉलपेपर एंड रेसेंट, हमको चाहिए मीडिया विजिबिलिटी। तो हमें, मैं तो पहले से ये अप किया हुआ है, तुम लोग का ये ऑन ऑन होगा, तो तुम लोग ये बंद करेगा, तो तुम्हारा जितना भी डेटा है ना व्हाट्सएप का, वो गैलरी में नहीं जाएगा। तो अभी तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमको इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।